का लू गया। आप लोगों को मैं साथ लेकर के चल रही हूँ, तो या लेट्स गो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे आई एम व्लॉगिंग और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने योगा फिनिश किया है और अपनी बेडिंग बनाई है और अब मैं ब्रेकफास्ट और लंच बनाने वाली हूँ बिकॉज विक्की ऑफिस के लिए निकलता है 10:30 और 11 समटाइम्स एट 10:30 एंड समटाइम्स एट 11:30 डिपेंड, तो उसके पहले मुझे लंच प्रिपेयर करना रहता है। तो बहुत दिनों से मैंने अपने बालों को ऑयलिंग नहीं किया है, सो आज मैं ऑयलिंग करूँगी और ऑयलिंग करने के बाद बिकॉज है ना ऑयलिंग करूँगी एंड देन फिर ऑयलिंग करने के बाद जब तक वो ऑयलिंग होगा 1.5 घंटे तक होगा तब तक मैं फिर अपना जो लंच है वो प्रिपेयर करूँगी। सो यस, ऑयलिंग के लिए आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल। आफ्टर लंच प्रिपरेशन आई एम गोइंग टू टेक शार और शार लेने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। टिल देन हाय गाइस, आई जस्ट टुक शार और मैंने अपने पूरा फेस का जो स्किन केयर रूटीन है विंटर वाला वो भी फॉलो कर लिया है और बहुत सारा मॉइस्चराइजर लगाया अपने फेस पे। एज यू कैन सी द शाइन ऑन माई फेस, अ लॉट ऑफ शाइन इज देयर बिकॉज मेरा वेदर चेंज होने के बाद ना स्किन ऑयली से आप ये बोल सकते हो और सेंसिटिव हो जाता है बिकॉज यहाँ इधर मुझे बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो अभी मैं अपने बॉडी में बॉडी बटर लगाने वाली हूँ। सो फॉर माय बॉडी बटर आई एम यूजिंग दिस मामा अर्थ कोको बॉडी बटर जो कि मुझे मामा अर्थ ने सेंड किया था कुछ दिन पहले एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 5-6 डेज एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसके अंदर कोको एंड यू नो चॉकलेटी टाइप की फ्रेग्रेंस आती है। बहुत हार्श नहीं है, बहुत नॉर्मल सी माइल्ड सी आती है क्योंकि इसके अंदर थियोब्रोमा कोको सीड बटर है, इसके अंदर कॉफी एक्स्ट्रैक्ट है, इसके अंदर सनफ्लावर सीड ऑयल है, साथ ही साथ शिया बटर है जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से डीप नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड मतलब आपने एक बार लगा लिया तो आपको 10 बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये। तो ये जो बॉडी बटर है ये आपके स्किन में जाकर के डीपली मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट देता है, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको ठीक करता है क्योंकि इसके अंदर कॉफी एंड चॉकलेट का अरोमा आता है, तो इट हेल्प्स यू टू यू नो रिलैक्स एंड रेजुविनेट एंड स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव नोट। एंड एज यू ऑल नो कि मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बनते हैं और इनके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं, मिनरल ऑयल्स नहीं होते हैं, पैराबेन फ्री होता है ये और SLS फ्री होता है, तो जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सबसे ये फ्री होता है। एंड नाउ मामाअर्थ इज ऑल्सो PETA सर्टिफाइड। मामाअर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड जितना
जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। और अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं या ये वाला बॉडी बटर परचेस करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो चेक करना ना भूलिएगा। एंड स्क्रीन पे दिया हुआ अगर आप कूपन कोड मेरा यूज करेंगे सो यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। ऑल्सो आई हैव दिस उपटन बॉडी बटर विथ टर्मरिक एंड हनी। तो अगर आपको कोको बॉडी बटर लेना है तो आप कोको बॉडी बटर ले लीजिए, एंड अगर आपको उपटन बॉडी बटर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो अगर आपको एक्ने और स्कार्स हैं, स्कार्स की प्रॉब्लम है बॉडी में, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन। टर्मरिक के अंदर कितने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपकी बॉडी में एक थोड़ा सा रेडियंट ग्लो प्रोवाइड करने का हेल्प करता है, नरिशमेंट तो ये देता ही देता है। अगेन दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद ये डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, हर तरह की स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। पैराबेन, SLS, सल्फेट, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स, मिनरल ऑयल्स हैं उनसे ये बिल्कुल फ्री है। तो आप चाहे तो बॉडी बटर उपटन वाला ले सकते हैं, आप चाहे तो कोको बॉडी बटर ले सकते हैं। अब मैं फटाक से अपने बालों को ड्राई करती हूँ और उसके बाद मुझे लंच करना है, लंच करने के बाद मैं निकलने वाली हूँ। तो जब मैं निकलती हूँ तब मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन आई गॉट रेडी और मैंने ये शर्ट पहना हुआ है एंड ये जो जीन्स है ये पहना हुआ है। तो ये वाला जो जीन्स है ये जब से मेरे पास आया है आई एम कंटिन्यूसली वेयरिंग दिस ओनली, मतलब मैं इसको छोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं टी शर्ट्स के साथ कहीं नॉर्मली जाना है उसके साथ सबके साथ मैं यही वाला जीन्स पहन रही हूँ, बिकॉज ये इतनी कंफर्टेबल है और पैरों में ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कुछ बॉटम्स पहना हुआ, एकदम घर जैसा लाइट वेट पजामा टाइप फीलिंग आती है। सो दैट्स वाई मैं ये वाली जीन्स कैरी करती हूँ। और जीन्स वाला वीडियो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी जीन्स है, क्या है, कहाँ से लिए, तो आप जीन्स वाला वीडियो जरूर चेक करिएगा। एंड मुझे आज जाना है कुछ स्पेशल सी चीज, एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था इसको लेने का बट अभी थोड़ा सा नेसेसिटी हो गई है बिकॉज मेरा जो फोन है वो खराब हो रहा है। अभी कौन सा फोन है क्या है वो सब सरप्राइज है, मैं अभी आकर के बताऊंगी आप लोगों को। तो मुझे आज दो तीन जगह जाना है, काम से जाना है, तो सबसे पहले तो मेरे घर के पास में क्रोमा वगैरह है तो मैं चेक करूंगी, ऑब्वियसली बेस्ट प्राइस मुझे जहां मिलेगा मैं वहां से लूंगी। सो एक्सचेंज में अगर कुछ अच्छा मिल रहा होगा तो एक्सचेंज में लिया जाएगा एंड जो भी है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू और आप लोगों को मैं अपने साथ लेकर के चल रही हूँ। तो या लेट्स गो। ले लिया है फाइनली ये रहा, क्रोमा से मैंने लिया है। कौन सा लिया है क्या लिया है वो सब मैं आकर के बताऊंगी बिकॉज अभी मैं फोन रखने के लिए आई थी और मैंने विक्की को अभी भी यही बोला है कि अरे वो फोन देने में दिक्कत कर रही है, वो सब सिनेरियो मैं आकर के आपको बताती हूँ। मॉल और मैं बहुत फटाफट आई हूँ, अभी भी टाइम है, मतलब 6:15 हुआ है और मैं टाइम पे आ गई हूँ। 7 बजे से मेरी क्लासेस हैं, डांस क्लासेस है बच्चों की। सो मैं क्या लेकर के आई हूँ मैं आपको पहले तो बताती हूँ। मैं सिर्फ H&M गई थी क्योंकि मुझे कुछ एक्सचेंज करना था और वो एक्सचेंज करके मैं लेकर के आ गई हूँ। इतना कोई खास कलेक्शन मुझे लगा ही नहीं, वही चीज़ें हैं। और हाँ कुछ टॉप हैं जो 200-300 में आपको मिल रहे हैं बट मतलब बहुत पता नहीं, बहुत वाव और बहुत खास नहीं था। दूसरी चीज़, हमारे थाने वाले जितने भी लोग हैं मुंबई का जो थाने में रहते हैं, अ गुड न्यूज़ फॉर यू, थाने में फाइनली मिनीसो आ गया है। तो अगर आपने अभी तक मिनीसो नहीं गए हैं तो आप ज़रूर चेक करिएगा, बहुत छोटा सा वेरिएंट आया है मिनीसो का, बट हाँ मेन जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो वहाँ से मैं कैंडल लेकर के आई हूँ, जिसका जो कि है सेंटेड कैंडल लेमन ग्रास। मुझे लेमन ग्रास बहुत पसंद है, लेमन ग्रास हो गया और दूसरा लैवेंडर, ये दो तो मतलब ऐसे है कि मैं
आई थिंक 24/7 इसकी फ्रेगरेंस ले सकती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ये. हाँ, और अब बारी आती है मेरे फ़ोन की, तो मेरा जो फ़ोन है वो मैं डिस्क्लोज करती हूँ. सो दिस इज़ अ फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम मी टू माई सेल्फ. तो मैं भी अपने आप, मैं एक बजट बना के रखती हूँ जनवरी का, कि इतना अमाउंट मुझे खर्च करना है. ऐसा नहीं है फालतू खर्चे के लिए नहीं, बट हाँ एक बजट में रखती हूँ. तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा खुद के लिए फर्स्ट गिफ्ट है. एक्चुअली मेरा जो फ़ोन है, मैं आपको बताती हूँ मैंने कौन सा फ़ोन लिया है. सो ये है सैमसंग का गैलेक्सी A50s. आई ऑलरेडी हैव वन एक्सेस. मेरे पास एक सेकेंडरी फ़ोन भी रहता है, तो जो मेरा सेकेंडरी फ़ोन था वो बहुत ऐसे ही ख़राब सा हो रहा था और चल भी नहीं रहा था ढंग से. और इवन मैं बताऊँ, उसका चार्जिंग स्लॉट भी बिल्कुल ही गया गुजरा हो चुका था. एंड आई वॉज लाइक, इसको कोई लेगा कि नहीं लेगा. तो उसकी एक्सचेंज में बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई है. अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को जो डील मिली है वो इतनी अमेजिंग डील मिली है. एक्चुअल प्राइस इसका है 20,000, ठीक है, ऑनलाइन. और 19,000 समथिंग अमेजन वगैरह पे मिल रहा है एक्सचेंज के बाद. और एक्सचेंज का रेट भी मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं मिल रहा था, 1200-1300 एक्सचेंज का रेट मिल रहा था. देन फिर मैंने क्रोमा पे पता किया, तो उन्होंने मेरे को मेरे फ़ोन का पहले वैल्यू बताया था, जिसको मैं दे रही थी वो था 1500 रुपीज़. हमको 10% डिस्काउंट मिला. तो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ, ये 19,000 का फ़ोन मुझे 15,800 में मिल गया था आफ्टर एवरी डिडक्शन. और उसके बाद 2200 मेरा फ़ोन चला गया एंड थोड़ा बहुत जो डिस्काउंट है वो मुझे मिल गया. तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, नॉट बैड डील. एंड राइट नाउ एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है. इसलिए अदरवाइज मैं सैमसंग बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि बहुत हैंग होता था. बट इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो और ये बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है. इसका कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब मैं अगर इसको अकेले को लेके भी चलूँ ना तो मेरा कैमरे का इशू नहीं रहेगा. मतलब बहुत अच्छा कैमरा है. तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ. सो दिस इज़ वाइट इन कलर. ट्रिपल कैमरा इसमें दिया हुआ है. देन दिस इज़ वाइट इन कलर एंड आपको ये दिख रहा है, ये डायमंड पैटर्न का. तो इसमें इस तरह से रिफ्लेक्शंस होते हैं. सो यही थी अभी की शॉपिंग. और अभी मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, मेरा जो मेन काम है वो रह गया है अभी भी. मेरी डांस क्लास खत्म हुई है एंड यू कैन सी स्वेट ऑन माय फेस. और बहुत छोटे छोटे बच्चे जितना मज़ेदार लगते हैं ना, उतना ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं टू हैंडल, बिकॉज उसमें से एक दो बच्चे तो रो देते हैं. जो नए नए ज्वाइन होते हैं वो तो रोने लग जाते हैं मम्मी की याद में. सो हाय गाइस, तो कल के बाद मैं सीधे अभी व्लॉग कर रही हूँ और मेरे पास कुछ सामान आया है क्रिसमस का, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करती हूँ. तो ये जो सामान है ये बैंगलोर की तरफ से मेरे पास आया है. सिलेक्ट मैंने किया था बट आया मुझे ब्रांड की तरफ से है. तो आप थोड़ा एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप बैंगलोर से शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए. तो पहले हम प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कि 10 डेज पहले एक सामान आ चुका था और कुछ जो सामान है वो मेरा कस्टम में फंसा हुआ था. वो कैसे मेरा आया है वो मैं आपको अभी बताऊँगी. तो मेरे पास 2 बल्ब्स आए हैं इस तरह के. सो दिस इज़ लाइक यू नो पेंडेंट लाइट है ये एक्चुअली, और ये इसका चार्जिंग वो है, चार्जिंग स्टेशन आप बोल सकते हो. तो ये 2 पेंडेंट लाइट्स मेरे पास आई हैं और आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं. आप चाहे तो अपने बेड के साइड में इसको हैंग कर सकते हैं, आप चाहे तो यू नो डेकोरेशन पर्पस में कहीं पर भी इसको हैंग कर सकते हैं. सो दे आर वेरी गुड. और ये टच सेंसर पे काम करती है. ये बंद हो गया, ये बंद क्यों नहीं हुआ, बंद हो गया, चालू क्यों नहीं हो रहा है. चालू हो गया. बटन से तो काम करता ही करता है, बट मैंने इसका पढ़ा था कि ये टच सेंसर में काम करता है. सो यस, एक मिनट, ये बंद हो गया टच हुआ तो, बट ओके ये चालू हो गया. तो ऐसे ये टच सेंसर में कुछ तो भी इनका है जिसपे ये काम करता है. सो दिस इज नाइस. क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं. अभी अपने आप बंद पता नहीं क्यों हो गया है, अभी इनका सिस्टम अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया है कुछ भी हो रहा है. इनका यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है तो आप यहाँ से चार्ज कर लीजिए. चार्ज करने के बाद बहुत लंबा चलता है, मतलब मैंने जब आए थे सिर्फ तभी चार्ज किया था, उसके बाद से अभी तक चार्ज नहीं किया. बट उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास आया है वो इस तरह से ऐसी स्ट्रिप लाइट है. तो यहाँ से ये चार्ज होती है एंड यहाँ से ये ऑन होती है. तो ये ऑन हो गई, इस तरह से ये ऑन हो जाती है. उसके बाद ये ऐसे
अलग सा एक इसका पैटर्न है जो कि ये हो रहा है, और धीरे 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 करके ये थोड़ा ब्राइटन अप होती जाएगी लाइट. एंड ये दूसरा इसका तरीका है. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पीछे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये जो है ना ये मैग्नेट है, ये देखिए. तो आप इसको अपने ड्रेसिंग एरिया में लगा सकते हैं, आप इसको कहीं पर भी स्टिक कर सकते हैं, इस तरह के दो दिन मंगवा करके आप जहाँ चाहें वहाँ पर लगा सकते हैं. सो इट्स वेरी गुड, आई रियली लाइक द क्वालिटी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे बैंगवुड की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. बैंगवुड का सामान बहुत ही अच्छा आता है, क्वालिटी बहुत अच्छी आती है. सो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे और काफ़ी यूजफुल भी है, मतलब आप इसको काफ़ी सारी जगह पर लगा सकते हैं. तो ये एक मेरे पास सामान आया. अगेन इसमें भी चार्जिंग का सिस्टम है, सेल वगैरह का सिस्टम नहीं है, बैटरी का सिस्टम नहीं है, चार्जिंग का सिस्टम है. एंड नेक्स्ट जो मेरे पास लाइट आई है, मैं आपको वो बताती हूँ. इस तरह की दो लाइट्स मेरे पास आई हैं. तो ये है लाइट, अब आप देख रहे हो कि ये कलर चेंज कर रही है, राइट. रेड है, ये बंद हो गई, ये चालू हो गई, और अब ये कलर चेंज करेगी. इसके लिए कलर चेंजिंग लाइट आप इसको कहीं पर भी यू नो लगा सकते हैं. सॉरी वेट सेकंड. ओके, आप इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं. इसके पीछे यहाँ पर सेक्शन दिए हुए हैं, तो आप इसको आराम से हैंग कर दीजिए. और चार्ज करने का स्लॉट दिया हुआ है. इसके साथ इसकी चार्जिंग केबल आती है, इसके स्क्रूज आते हैं जो इसमें लगेंगे. तो ऐसे ही मेरे पास दो लाइट्स आई हैं ये. तो आप चाहें तो अपने बेड के साइड टेबल पे इसको लगा सकते हैं, आप चाहें तो बेड के साइड में लगा सकते हैं, आप ड्राइंग एरिया में लगा सकते हैं, आप अपने ड्रेसिंग एरिया में लगा सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ लगा सकते हैं. अगर इसका पीछे से स्विच मोड ऑन हो जाता है तो आप इसको टच करके भी ऑन कर सकते हैं. एक मिनट, लेट मी शो यू अगेन. तो ये हुआ, ये मैंने बंद कर दिया, ये मैंने ऑन कर दिया. तो ये इस तरह से बंद चालू होती है, ठीक है. सो ये टू लाइट्स हैं ये मेरे पास आई हैं. उसके बाद दो लाइट्स मेरे पास ये आई हैं, और उसके बाद एक जो लाइट है वो मेरे पास ये आई है. सो इफ यू वांटेड टू, लाइट्स में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, कंप्लेन कुछ भी नहीं है मेरी इनके प्रोडक्ट्स के साथ. अब जो मेरी कंप्लेन है वो ये है कि जब ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं, ऑब्वियसली मैंने परचेस नहीं करे हैं, बट अगर मैं ये परचेस करती, सपोज मैंने 5000 का सामान खरीदा, मुझे अभी अलग से कस्टम चार्जेस देने पड़े, दैट इज़ 1550 रुपीज़ मैंने एक्स्ट्रा पे करे हैं. सो अगर आप अपने पैसों का सामान मंगवाएंगे 3000-4000 रुपये का, और उसके बाद अलग से आपसे कस्टम वाले बोलेंगे कि आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे तब आपको आपका सामान मिलेगा, तो और चलो मैंने अगर 1000 का सामान मंगवाया और मुझे उस पर कस्टम चार्जेस देने पड़ जाएंगे, तो इतना ऐसे मुझे सामान मंगवाने का कोई मतलब नहीं है. तो वो आप लोग देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग. मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी वहाँ से मंगवाने का, बिकॉज कल को आप मेरे रेकमेंडेशन के थ्रू अगर ये सामान मंगवाते हो एंड देन आपको इस तरह से कस्टम चार्जेस देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली किसी का भी दिमाग खराब होगा यार, मेरा भी दिमाग खराब होगा. सो द ऑनेस्ट थिंग आई एम रेकमेंडिंग यू. तो बैंगलोर से सामान बहुत अच्छा आया है. अगर आपको ऐसा कोई सामान कि आपको इंडिया में नहीं मिलता है या आपको बिल्कुल ही यही चाहिए, तो ही आप वहाँ से मंगवाइए, अदरवाइज आई विल नॉट रेकमेंड यू टू बाय थिंग्स फ्रॉम देयर वेबसाइट. सो दैट्स इट फॉर माय व्लॉग आई गेस, एंड आई होप यू लाइक इट. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.